सो पार्ट सिक्स की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग को काफी तेज फीवर हो चुका है एंड वो अपने दोस्त फैंग को अपने आज के दिन के बारे में बता रहा था कि कैसे कैसे उसने लेनाई एंड उसके फादर के साथ एंजॉय किया और उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब लिनोई के फादर ने मुझे पहचान लिया है तो फिर लिनोई मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है तो तब ये सब सुनने के बाद फ़ेंग कहने लगा कि मैं जब से आया हूँ तुम लिनोई के ही बारे में बातें कर रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगे हो तो यह सुन जियांग साफ़ मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर जब फेंक चला गया तो इस बारे में सोचने लगा अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग के फादर अब्रॉड से आ चुके हैं एंड सूजी का सुनकर गुस्सा थे कि तुम्हारे ग्रैंड सूजी को क्यों अपने होटल का हेड शेफ बना दिया है जबकि तुम इस घर के बेटे हो इसलिए तुम्हें हेड शेफ बनना चाहिए था कि सूजी जो कि ये सब बातें सुन चुकी थी वो यांग के फादर को टीस करने लग जाती है देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके बीच रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं क्योंकि ये यांग के फादर की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है बल्कि सिर्फ यंग अपने फादर का सगा बेटा है और वहीं हम देखते हैं कि ंग जो कि बार बार लिनोई के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था यानी कि अब वो लिनोई को पसंद करने लगा है इसलिए बार बार उसे लिनोई की ही बातें याद आ रही थी ऊपर से ज्यांग को फीवर भी था इसलिए वो हॉस्पिटल जाने लगा बट जब उसे लिनोई मिली तो तब वो लिनोई को अपने साथ हॉस्पिटल ले आया हेल्प के लिए और फिर बार बार लिनोई को परेशान करता है उससे कभी कुछ मंगवाकर तो कभी कुछ मंगवाकर क्योंकि क्यूँकी को मजा आ रहा था लिनोई को टीस करके के तभी अचानक लेनोई एक एग लाई एंड उसे जियांग के हेड पर मार देती है जियांग गुस्सा हुआ ये पूछते हुए कि तुम ये क्या कर रही हो तो तब उसने बताया कि एक्चुअली मेरे फादर कहते हैं कि ऐसा करने से फीवर कम हो जाता है तो ये सुनज्यांग बचपन का सीन याद करने लगा कि बचपन में भी ठीक एक बारी ऐसे ही लिनोई ने एग मेरे सर पे फोड़ा था जब मुझे फीवर हुआ था इसलिए प्रेजेंट में कहने लगा कि ये सब बकवास है यानी ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैलब नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंड पर दिखाया गया जो कि कह रहे थे कि मैंने सूजी को अपने होटल का हेड शेफ़ तो बना दिया है लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को सीरियस नहीं ले रही है ये सुन यांग बोला कि ग्रैंडपा वो अभी अब्रॉड से आई है इसलिए थकी हुई होगी कोई नहीं धीरे धीरे सब कर लेगी तो ये सुन ग्रैंड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम उसका पक्ष मत लिया करो बल्कि बड़े भाई होने के नाते उसे समझाया करो कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत यानी कि यहाँ यांग की कोई गलती भी नहीं थी पर तब भी ग्रैंड ने उसे डांटा जिस वजह से वो समझ जाता है कि ग्रैंड उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और वहीं लिनोई जब जैसी बातों बातों में अपने दोस्त कैन का जिक्र करने लग जाती है कि कैन कितना ज्यादा अच्छा है तो ये सुन जियांग जेलस हुआ इसलिए उसने लिनोई से लड़ाई करके उसे यहाँ से भेज दिया कि तुम अपने घर जाओ लिनोई चली जाती है और फिर अब जब जियांग घर जाने लगा तो तब उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई बारिश की वजह से कि तभी लिनोई वापस आई जो कि अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आई है इसलिए उसमें जियांग को कवर कर लेती है ये बोलते हुए कि मैं आपको छोड़कर नहीं गई थी बल्कि अम्ब्रेला लेने गई थी तो ये सुन जियांग काफी ज्यादा इमोशनल हुआ इसलिए लिनोई को दिल से सॉरी करने लगा और फिर ये दोनों साथ में बातें करते हुए यहाँ से चले जाते हैं वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग जो की जब जैसी अपने अपार्टमेंट से बाहर आया तो तब उसे यहाँ यांग मिला जिसको पूछना था कि क्या सूजी उसके घर में है बट जियांग कहता है कि नहीं तो तो ये सुन यांग परेशान हो जाता है कि आखिर सूजी कहाँ गायब हो गई है और वही सूजी जो कि मार्केट में थी एंड फ्रूट्स बाय कर रही थी तो तब लिनोई ने उसे बताया कि ये फ्रेश नहीं है तो ये सुन फ्रूट्स बेचने वाली आंटी को गुस्सा आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है ये लड़की झूठ कह रही है तो तब लिनोई हल्के से सूजी को बता कर गयी की कॉर्नर वाली आंटी ज्यादा अच्छे और फ्रेश मैंगो दे रही हैं इसलिए तुम वहाँ से ले लो और फिर जब जैसी जाने लग जाती है तो तब सूजी लिनोई से उसका नाम पूछना आती है ये कहते हुए कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो लिनोई ने अपना नाम बता दिया एंड देन यहाँ से चली गई वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लिनोई किचन में शेफ्स की हेल्प करा रही थी तो तब दो वेटरस आई एंड बोली कि कोई है जिनको सिर्फ मिस लिनोई के हाथ का बना खाना खाना है लिनोई सरप्राइज रह गई ये सुनकर इसलिए चेक करने लगी कि आखिर ये लड़की कौन है बाय द वे, वे वो और कोई नहीं बल्कि सूजी है जिसको जब जैसी होटल की मैनेजर ने आकर बताया कि मिस लिनोई आपके लिए डिश नहीं बना सकती बिकॉज मिस्टर जियांग ने उन्हें फुल डिश बनाने से मना किया है तो तब ये सब सुन सूजी फैंग के पास आ गई एंड उससे बात करने लगी फेंग जो कि इस रेस्टोरेंट में सीनियर शेफ होने के साथ साथ जियांग का दोस्त भी है इसलिए सूजी को भी जानता था जहाँ पहले तो उसने काफी अच्छे से सूजी से बात की और फिर समझाने लगा कि इस जगह को मैंने और जियांग ने बहुत मेहनत से सक्सेसफुल किया है इसलिए प्लीज यहाँ कोई गड़बड़ मत करना इसका मतलब जय का होटल अलग है एंड जहाँ सूजी को हेड शेफ बनाया गया है वो अलग है यानी कि वो ग्रैंड का होटल है सूजी बोले की नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली बल्कि मैं तो बस यहाँ फन करने आई हूँ और फिर तभी यहाँ से चली जाती है और फिर अब अकेले में लिनोई से बात करती है उसे ये बताते हुए कि मैं तो यहाँ स्पेशली तुम्हारे हाथ की बनी डिश खाने आई थी पर कोई भी मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा है इसलिए तुम प्लीज मुझे सभी से छुपकर डिश बना के दे दो तो ये सुन लिनोई सूजी के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है एंड देन उसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर सूजी को दी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी सूजी उनको खाने लग जाती है स्पेशली चॉकलेट केक और फिर जब जैसे लिनोई ने पूछा कि आपको टेस्ट कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे होटल को अच्छा रिव्यू देना तो ये सुन वो कहती है कि बिल्कुल और फिर तभी बेहोश हो गई लिनोई डर जाती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया जिसके होश उड़ गए सूजी को बेहोश देख क्योंकि वो समझ चुका है कि सूजी ने केक खाया है। पहले उसने को किया सूजी को अपने साथ ले किया। जिसे और फिर जब जैसी जाने लगा तो तब सूजी उसे जाने नहीं देती जियांग पूछता है कि जब तुम्हें नट्स से एलर्जी है तो तुमने नट्स केक क्यों खाया यानी तुमने ये सब जानबूझ के किया है, है ना तो तब सूजी कहती है कि हाँ क्योंकि अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा था तुम्हारी अटेंशन पाने का बिकॉज जब से मैं अब्रॉड से आई हूँ तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो तो ये जियांग सूजी से थोड़ी बहुत बातें करने लग जाता है एंड यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सूजी वही लड़की है जिसको जियांग बचपन में लिनोई के मास्टर यानी मास्टर कॉन्ग के पास लेकर गया था जो कि अब अपने ग्रैंड के रेस्ट्रो में नहीं बल्कि जियांग के रेस्टो में काम करना चाहती है बट इस बात पर जियांग कुछ नहीं बोला बल्कि चुपचाप यहाँ से चला गया मेलम नेक्स्ट सीन में हमें लिनोई दिखाई गई जिससे ज्यांग बहुत ही ज्यादा डांटता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी सूजी के लिए छुप कर कुकिंग करने की मगर फिर बाद में वो प्यार से भी लिनोई को समझाता है एंड जब जैसी लिनोई को पता चला कि सूजी ने जान बूझ कर नट्स केक ऑर्डर किया था एलर्जी होने के बावजूद भी तो ये सुन वो हैरान रह गई जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब लिनोई वापस घर जा रही थी सूजी के ही बारे में सोचते हुए कि वो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है और फिर जब जैसी नीचे झुकी एक बोतल को उठाने के लिए तो तब सूजी यहाँ आ जाती है जिसने लिनोई को हलो किया लिनोई ने डायरेक्ट पूछा कि तुम आखिर क्यों मुझे टारगेट कर रही हो तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से उस दिन मुझे मेरे भाई ने इग्नोर किया था जब वो तुम्हारे पीछे पीछे कहीं चला गया था पता भी है उस दिन में कितना ज़्यादा हर्ट हुई थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने भाई को किसी और दूसरी लड़की के साथ शेयर नहीं कर सकती इसलिए तुम दूर रहो मेरे भाई जियांग से और फिर तभी कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी स्मेल पावर काफ़ी अच्छी है इसलिए क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए तो ये सुन लिनोई मान गई बिकॉज उसे अपनी स्मेल पावर पर पूरा बिलीव है सॉन्ग एंड फेंग ये दोनों भी यहाँ आ चुके थे इसलिए इन दोनों को जजेस बनाकर सूजी और लिनोई ने अपना कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर दिया जहाँ ये दोनों आंखों पर पट्टी बांधती हैं और फिर बिना देखे उन सभी चीजों को ऑर्डर करने लग जाती है जिनमें से एग की स्मेल आ रही हो फिर जब रिजल्ट की बारी आई तो पता चला कि लिनोई हार चुकी है जिस चीज का उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा बिकॉज आज तक लिनोई को स्मेल पावर में किसी ने भी नहीं हराया था इसलिए जब सूजी लिनोई का मजाक बनाते हुए यहाँ से चली गई तो तब तो फेंग बताता है कि सूजी को बचपन से ही बहुत टफ ट्रेनिंग मिली है इसलिए कुकिंग से रिलेटेड किसी भी चीज में सूजी को कोई भी नहीं हरा सकता और वही जियांग को भी फेंग के बताने पर इन दोनों के कॉम्पिटिशन के बारे में पता चल जाता है वह अब हम देखते हैं कि लिनोई घर आने के बाद भी सदमे में थी कि मैं हार कैसे गई तो तब कैन कहता है कि तुम्हें कॉम्पिटिशन करने से पहले सूजी के बारे में एंड उसकी फैमिली के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए था और फिर अब वो हमें जियांग की फैमिली की पूरी हिस्ट्री बताता है कि जियांग के ग्रेड के दो बेटे थे जिसमें से एक के दो बच्चे थे जियांग एंड सूजी तो वही दूसरे बेटे का सिर्फ एक बेटा था जो कि है यांग लेकिन जब जियांग के फादर नाइफ कंपटीशन में किसी से हार गए तो तब ग्रैंड ने उनको उनकी फैमिली के साथ घर से बाहर कर दिया था लिनोई हैरान हुई कि क्या सिर्फ कंपटीशन हारने की वजह से तो तब कैन बताता है कि हाँ क्योंकि जियांग के ग्रैंड के लिए उनकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर कुछ साल बाद एक हादसा हुआ जिसमे जियांग के पेरेंट्स की डेथ हो गई एंड जियांग और सूजी दुनिया में अकेले रह गए जिस वजह से उनको चाइल्ड केयर सेंटर में भी रहना पड़ा था ग्रैंड को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिर्फ सूजी को अपने पास बुला लिया बिकॉज़ जियांग उस टाइम कुकिंग में अच्छा नहीं था यानी कि उसमें कुकिंग का टैलेंट था ही नहीं सिर्फ़ सूजी में था और बस तभी से सूजी यांग की सिस्टर बन गई थी एंड जियांग बेचारा चाइल्ड केयर सेंटर में रह गया था यह सब सुनने के बाद लिनोई बोली कि ओ अच्छा तो ये वजह है कि जियांग नाइफ कंपटीशन को इतनी अहमियत देता है क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि वो भी काबिल है कैन कहता है कि हाँ यही बात है कि तभी उसे के के फादर के सामान में से एक बहुत ही पुरानी नाइफ मिलती है जिसे वो काफी ध्यान से देखने लगा और फिर तभी उस नाइफ को लेकर यहाँ से चला गया तो वहीं लिनोई जंग के लिए सॉरी फील करने लग जाती है कि उसके साथ कितना सब हो चुका है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट सिक्स यहीं पर एंड हो जाता है to the ground